बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म चैनल देखने वाले सभी व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश और अपने घर में हंसती बस्ती बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल खैर खरीयत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के आफात, हादसात और नुकसानात से बचाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज आप ये देख सकते हैं कि आज है कुछ पार्टी, क्योंकि आज मेरे तो तकरीबन एक दिन पहले ही 100 हो गए थे सब्सक्राइबर और आज मेरे बेटे के, जिसका चैनल का नेम है HN Vlogs and Gaming, उसके भी 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बेटे ने कहा मामा आज मेरी पसंदीदा फेवरेट फ्रूट चाट बनाए और ये मैं आज उसके लिए स्पेशल फ्रूट चाट बना रही हूँ। मैंने तो खैर कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी, लेकिन उसके शौक़ के लिए मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ और साथ साथ हम दोनों के चैनल्स की ये सेलिब्रेशन हो रही है। और ये फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें खजूर है और सेब हैं, केले हैं और ये नट्स हैं, गाजरे हैं बारीक बारीक। मैं ज़रा डिफरेंट सी फ्रूट चाट बनाती हूँ जिसमें सब चीज़ें जो है वो मिक्स करती हूँ, जो भी वेजिटेबल घर में मौजूद हो, जो भी फ्रूट्स हों। ये मैंने बाज़ार से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मंगवाया, ये देखिए मैं मैक्रोनीस भी डालती हूँ। ये मैंने ऐसे बाज़ार से कुछ स्पेशल नहीं मंगवाया, ये सारी चीज़ें घर में ही मौजूद थी। और अमूमन घर में ये 2-3 फ्रूट्स तो होते ही हैं, ज़्यादा फ्रूट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी से माशाल्लाह से बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी फ्रूट चाट तैयार हो जाती है। ये एक किस्म की रशियन सैलड और फ्रूट चाट टाइप मिक्स चीज़ें हैं दोनों। और ये हलीब की है क्रीम। हर बार वैसे मैं ऑलपर्स की लाती हूँ, लेकिन इस बार इस पे प्रमोशन थी और उधर हलीब की प्रोमोटर खड़ी थी, वो मुझे कहती है मैम ये प्लीज़ आप ले लें और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे तो ये 100+ की मिलती है, लेकिन उस दिन इस पे प्रमोशन थी तो ये मुझे मिल गई थी तकरीबन 60 रुपये का एक पैक। तो ये मैं 2 पैक ले आई थी, मैंने कहा चलें ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह यही यूज़ किया करूँगी। और ये देखें जी, ये मैंने 2 पैक क्रीम के डाल लिए हैं। माशाल्लाह से अच्छी खासी मिकदार में फ्रूट चाट बनेगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, बड़ी क्रीमी सी और मज़े की मैं बनाती हूँ। और सारी बच्चों की फेवरेट चीज़ें हैं मैक्रोनीस वगैरह जो इसमें डालती हूँ। और ये है शहद हनी, और ये मैं हनी इसमें डालती हूँ, कोई चीनी वगैरह और कोई एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर वगैरह इसमें मैं ऐड नहीं करती, बड़ी नेचुरल चीज़ों से मैं बनाती हूँ ये फ्रूट चाट। इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 पैक हैं, तो इसमें 2 चम्मच मैं हनी के डालूंगी और 2 चम्मच हनी के डालूंगी, मायो डालूंगी और ये यंग्स की मायो है और ये भी मैं थोड़ी सी डाल दूंगी। इससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, नमकीन सा और मीठा सा, हनी से मीठा और इससे थोड़ा थोड़ा नमकीन, और बड़ी मज़े की फ्रूट चाट बनती है। और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बच्चों बड़ों सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये मैंने मायो भी डाल दी है, हनी भी डाल दी है, इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर रही हूँ स्पून के साथ। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम बाकी सारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह मैंने काट के रखी हैं वो इसमें डाल दूँगी। अगर घर में मटर हैं तो आप मटर भी उबाल के डाल सकते हैं, बंद गोभी भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस यही चीज़ें काटी हैं। और बादाम वगैरह घर में ख़त्म थे तो वो काजू और वो पड़ा हुआ था पिस्ता, वो मैंने काट के डाल दिया बारीक बारीक सा ना। ये मैक्रोनी थोड़ी सी मैंने बस थोड़ी सी बॉईल की है, फूल के ये ज़्यादा हो गई हैं, जब मैंने बॉईल किया है ना तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा वो फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी ये आज है 100 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन, फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार क्रीमी सी देखें थिक सी फ्रूट चाट है। वाकई उसने प्रोमोटर ने मुझे अच्छा मशवरा दिया था कि मैम आप ये ले जाएं, तो वाकई अच्छी है। तो ये जी बेटा मेरा जिसके 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैंने कहा बेटा आपके कौन से 100 किए हुए हैं, कहता मामा वो भी हो जाएंगे, प्लीज़ सेलिब्रेशन करें। आज सुबह ही जब ये उठा तो इसने देखा मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसने इतना शोर डाला है, मामा मैंने सेलिब्रेशन करनी है। मैंने कहा बेटा मेरे भी हुए हैं, मैंने तो कोई नहीं की, आपकी मर्ज़ी आपने नहीं की लेकिन मेरे ज़रूर आप करें। मैंने कहा चलें बताओ क्या खाना है, केक मंगवा लूँ? तो कहता है कि नहीं मामा केक नहीं मैंने खाना, केक 2 दिन पहले इनको मैंने खिलाया केक भी। तो इसकी बर्थडे भी आने वाली है, इंशाल्लाह हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएँगे। वाह जी वाह, बेटे को फ्रूट चाट पसंद आ गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।